नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 31 अगस्त से गणेश जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इधर कुछ वर्षों में घर घर गणेश जी की स्थापना, पूजा अर्चना के साथ विविध आयोजन किए जा रहे हैं। एक श्रद्धा और विश्वास का माहौल बन रहा है और ये माहौल लगभग 10 दिनों तक रहता है। इसकी महत्ता के पीछे इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, लोक रंजन भी है, लोक जागरण भी है, लोक शिक्षण भी है और साथ में लोक का जनजीवन से एक गहरा जुड़ाव भी है और अध्यात्म की दिशा में बढ़ता एक नया प्रभाव भी है। इसी गणेश जन्मोत्सव पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे महापंडितों ने कहा है कि गणेश जी की स्थापना सायं 3:30 बजे के बाद कीजिए। कुछ लोगों ने तो 4 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जैसे आप अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा कीजिए और फिर गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। बहरहाल गणेश जी अब घर घर पहुंच रहे हैं। मुझे आज बताया गया कि मिट्टी की मूर्ति होती जिसकी अब बुकिंग होने लगी है। लोग पहले से पैसे दे आते हैं ताकि हमारी मूर्ति सुरक्षित हो जाए और कच्ची मिट्टी की हो जाए, पके भी नहीं वो। ऐसा कुछ वैज्ञानिक तथ्य, और कहते हैं इसका सीधा जुड़ाव है पर्यावरण से। तो आज की इस चर्चा में हम ये जानेंगे गणेश जन्मोत्सव का जो महत्व है वो हमारे सांसारिक जीवन से कितना लगाव रखता है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर हरिभाव जी खांडेकर। खांडेकर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खांडेकर जी हिंदी के एक विद्वान विख्याता, और सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में गणेश जन्मोत्सव को जो भव्यता मिली है, जो उसका विस्तार हुआ है, जो उसके नए नए स्वरूप सामने आए हैं, उसमें आपका महान योगदान रहा है। और इसी योगदान की चर्चा करते हुए आज हम गणेश जन्मोत्सव के महत्व के बारे में जानेंगे। खांडेकर साहब जी, मैं आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले बताइए कि आप एक लंबे समय से इस महापर्व से जुड़े हुए हैं, अब वर्तमान समय में आपको इस पर्व में कैसा कैसा बदलाव दिखाई दे रहा है? देखिए, गणेश पूजा के दो स्वरूप हमारे यहाँ चलन में हैं। एक तो गणेश पूजा सार्वजनिक है और एक गणेश पूजा व्यक्तिगत। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से इतर अन्य प्रांतों में काफ़ी समय से गणेश पूजा का प्रचलन है, लेकिन ये परिवारों तक सीमित था। लोकमान्य तिलक ने इसको सार्वजनिक स्वरूप प्रदान किया, राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और देश की आज़ादी से इसको जोड़ करके लोक संग्रह, लोक जागरण और समाज के अभ्युदय से जोड़ करके
इसको प्रारंभ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और उसी का परिणाम है कि आज ये जो भव्य स्वरूप हमको दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रादुर्भाव और इसका प्रारंभ लोकमान्य तिलक जी द्वारा किया गया। सामान्यतः घरों में गणेश जी का पूजन लोक काल, देश काल, परिस्थिति के अनुसार कहीं पर आधा दिन, कहीं पर एक दिन, कहीं पर डेढ़ दिन, कहीं पर तीन दिन, कहीं पर पांच दिन और सात दिन, और इसके साथ ही महालक्ष्मी या गौरी का आगमन और उनका पूजन और फिर उनके साथ ही गणेश जी का विसर्जन, ऐसा परिवारों में विधान था और आज भी है। लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने इसको सार्वजनिक स्वरूप प्रदान किया तो इसको गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इसका विस्तार किया और इसके विस्तार के साथ साथ केवल धार्मिक कार्यक्रम ही न करके धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ उसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों को विस्तार दिया इन्होंने। और इसीलिए लोकमान्य तिलक के समय से ही महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बाहर 10 दिन तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ साथ शैक्षिक प्रबोधन वाले कार्यक्रमों का भी समावेश किया जाने लगा। और महायोगी, महामुनि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, योद्धा, वीर, ऐसे चरित्रों का निरूपण करके आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति का भाव और देश की आज़ादी का संदेश और देश के आज़ादी के लिए मर मिटने का भाव जागृत हो, इस प्रकार की बातें भी इसमें होने लगी और किया जाने लगा। तो इस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी द्वारा जो आज का वर्तमान स्वरूप है, हम कह सकते हैं कि उसका प्रादुर्भाव लोकमान्य तिलक जी द्वारा किया गया। एक बात आपने बहुत अच्छे ढंग से कही कि लोकमान्य तिलक ने इसको राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जो वैविध्य रूप प्रदान किया। कहते हैं गणेश जन्मोत्सव के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। कहा जाता है इसके पूजन में, इसके विधि विधान में ऐसा अर्पण होता है जिसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पक्ष छिपा हुआ है, और अगर लोग जीवन में अपने को अपनाएं तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त होता है। अच्छा प्रश्न आपने किया। भाद्रपद मास में चतुर्थी को ये पूजन प्रारंभ होता है। गणेश जी की स्थापना भाद्रपद मास की चतुर्थी से होता है। सावन में वर्षा ऋतु का जोर रहता है, नदी नाले सब उफान पर रहते हैं, चारों ओर हरियाली रहती है, वातावरण शुद्ध रहता है और जगह जगह पर हर प्रकार की वनस्पतियां उगाती हैं, तो गणेश पूजा के विधान में उन वनस्पतियों का विशेष महत्व है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो गणेश पूजा की जाती है उसमें पूजन के साथ साथ पत्री और पुष्प, इन दोनों का समर्पण किया जाता है, इन दोनों को अर्पित किया जाता है। पत्तियों में अशोक की पत्ती है, अर्जुन की पत्ती है, केवड़े की पत्ती है, शमी पत्र है, हर का पत्र है, ये जितने भी प्रकार के गिलोय है, ये जितने भी प्रकार के औषधीय वृक्ष हैं, अर्जुन है, इन सब वृक्षों की पत्तियों को हम गणेश जी को अर्पण करते हैं। और गणेश जी को दूर्वा तो बहुत प्रिय है, दूर्वा भी गणेश जी को प्रिय है, तो इन सब पत्तियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पुष्प, इनको भी हम अर्पण करते हैं। तो
प्राचीन समय से जब से इसका पूजन का विधान है तो आज भी महाराष्ट्र में ये जितने भी पुष्प और फल पत्तियां पेड़ हैं उन सब का रोपण पहले से किया जाता है कि जिससे इन सब के पत्ते हमको प्राप्त हो सके और पर्यावरण की दृष्टि से भी इन सब का बड़ा महत्व है और इसलिए गणेश जी को केवल दुर्वा ही नहीं तो सब प्रकार से पुष्प और सब प्रकार की पत्तियों के अर्पण करने का विधान है। माने पत्तियां कोई भी हो उन्हें आप अर्पित कर दीजिए। जैसे अर्जुन की पत्ती है जी, अर्जुन हमारे यहाँ जो पेड़ है हार्ट के लिए कहा जाता है, इसका बड़ा प्रयोग है और आजकल के जो विज्ञान है और आयुर्विज्ञान और औषधि विज्ञान है इसमें इसका बड़ा महत्व है। इसी प्रकार अशोक का पुष्प है, अशोक का पेड़ है तो उसमें मंत्र होता है शोक नाशायन महा अशोक पत्रम समर्पयामि, मतलब शोक अशोक का पत्र क्यों, शोक का नाश करने के लिए। माने इस प्रकार से हर पत्र हम क्यों अर्पित करते हैं उसके पीछे क्या विज्ञान है, उस विज्ञान के साथ साथ हम लोग विज्ञान तो भूल गए और कालांतर में केवल ये आ गया कि ये पुष्प चढ़ाना चाहिए, ये फल चढ़ाना चाहिए, ये वस्तु चढ़ानी चाहिए, तो इसके पीछे एक विज्ञान था और वो विज्ञान था औषधि विज्ञान। और इस प्रकार से हम इन पेड़ों को लगाते थे और जब ये पेड़ फल देंगे पत्ते होंगे इसके तो उसका उपयोग गिलोय का है, गुरुच जिसको हम कहते हैं, गुड़वेल भी इसको कहा जाता है, ये गणेश जी को भी चढ़ता है और शंकर जी को भी चढ़ता है। तो ये इस प्रकार के जो पत्ते हैं इन पत्तों को शमी पत्र है, गणेश जी को भी बहुत प्रिय है शमी पत्र, इसका भी हम ये करते हैं और यही शमी पत्र है जिसको दशहरे के दिन भी इसका पूजन किया जाता है और ऐसा कहते हैं कि शमी पत्र शमी के वृक्ष में ही पांडवों ने अपने अस्त्र छिपा रखे थे इसके अंदर। तो इस प्रकार का यह शमी वृक्ष जो है उसके पत्र को भी हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। इसी प्रकार के जितने भी प्रकार के पुष्प हैं उन सब पुष्पों को भी हम समर्पित करते हैं। तो ये पुष्प और पत्र दोनों को हम गणेश जी को समर्पित करते हैं। इसके साथ एक बात और है, कहते हैं कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती लेकिन वर्ष में केवल एक बार, केवल कल गणेश चतुर्थी के दिन वर्ष में एक बार गणेश जी को तुलसी चढ़ाने का विधान है। एक ये बताइए कि जैसे स्थापना के समय विधि विधान से पूजन होना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है कि गणेश जी को पीला वस्त्र बहुत पसंद है इसलिए जहाँ पर स्थापना की जाए उसके नीचे पीला वस्त्र बिछाना चाहिए, फिर पंचामृत से 5 बार जो उनके चरणों पर डालना चाहिए, फिर विधि विधान से जैसे आपने बताया पत्ते पुष्प इन सब का समर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और उसके बाद फिर आगे की अपनी प्रक्रिया को पूजन की माने कीर्तन भजन जो भी आप कर सकते हैं उसके अनुसार करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो पहले दिन पूजन होता है क्या यही पूजन लगातार 10 दिन होता है या जो लोग 5 दिन अपने घर में रखते हैं 3 दिन रखते हैं लगातार या उनमें कहीं ना कहीं कोई बदलाव आता रहता है? देखिए आपने कहा कि पहले दिन के पूजन में और बाकी दिन के पूजन में अंतर क्या है, तो जब गणेश जी की स्थापना होती है तो गणेश जी की हम जो मूर्ति लाते हैं मृत्तिका यानी मिट्टी की मूर्ति होती है और वो कच्ची मिट्टी की होती है और उसके ऊपर रंग वगैरह लगा करके उसको आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये तो मिट्टी की मूर्ति है तो इसकी स्थापना करने के साथ साथ इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब वो मूर्ति साक्षात भगवान का स्वरूप लेती है, क्योंकि ऐसे तो शोरूम में रखी हुई सभी मूर्तियां हैं लेकिन उस मूर्ति को जब हम घर में ला करके और घर में ला करके उसको विधि विधान से स्थापित करके उसका पूजन करते हैं और उसके पूजन के साथ साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा के भी विधान हैं और इस विधान से जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसके बाद में उसमें ये हम मान लेते हैं कि अब ये इसके अंदर भगवान का वास हो गया और जब भगवान का वास हो गया तो उसके पश्चात प्राण प्रतिष्ठा तो एक ही बार होगी तो वो प्राण प्रतिष्ठा तो रोज नहीं करनी है, तो पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद जो आपने
पंचामृत वगैरह का पूजन की बात की तो हमारे यहाँ षोडशोपचार पूजन का विधान है। तो इस पूजन में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम भगवान का आह्वान करते हैं और भगवान का आह्वान करने के बाद हम भगवान को आसन प्रदान करते हैं और फिर भगवान से कहते हैं भगवान अब इस आसन के ऊपर आप विराजमान होइए। और जब विराजमान होता है कोई हमारे घर में आता है तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, पानी पूछते हैं। तो भगवान को पाद्य से प्रक्षालन किया जाता है, उनके चरणों में जल समर्पित किया जाता है। जल वगैरह समर्पित करने के पश्चात फिर भगवान को हम अर्घ्य प्रदान करते हैं, भगवान को हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर स्नान के बाद हम अब स्नान में भगवान के जैसे हम लोग स्नान के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो भगवान के स्नान में हम पंचामृत का प्रयोग करते हैं। अब पंचामृत में क्या है, दूध है, दही है, घी है, शहद है और शक्कर है। अब इसके लिए शास्त्रोक्त और वेदोक्त में तो मंत्रों से है, लेकिन जो लोग मंत्र नहीं जानते तो वो अपना ये पांच चीजें ले आए और पांचों चीजों से पहले आप गणेश जी को दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं और उसके पश्चात शक्कर से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद थोड़ा और जल उसके ऊपर अर्पण करें तो उसको कहते हैं अभिषेक किया हमने। तो षोडशोपचार पूजन में पंचामृत पूजन के बाद हमने उनको और नहलाया, फिर उसमें सुगंधित गुलाब जल है, केवड़ा जल है, ये जल हम उसमें डाल करके उसमें हम मिला करके उनको हम पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से पूजन होने के बाद फिर हम उनको स्थापित करते हैं। स्थापना करने के बाद फिर उनको गंध चंदन, चंदन के बाद अक्षत, अक्षत के बाद रोली, हरिद्रा कुमकुम का हमारे यहाँ दोनों का विधान है कि हल्दी भी लगाई जाती है, रोली भी लगाई जाती है और उसके बाद चंदन लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है और उसके पश्चात पुष्प अर्पण किए जाते हैं, दुर्वा अर्पण की जाती है और विभिन्न प्रकार की पत्तियां अर्पण की जाती है, विभिन्न प्रकार के पुष्प अर्पण किए जाते हैं। उसके पश्चात में धूप दीप नैवेद्य, धूप दिखाया, दीप दिखाया और उसके पश्चात नैवेद्य। हमारे यहाँ गणेश जी को जो भोग प्रिय है तो वो गुड़ और नारियल, ये दो वस्तुएं उनको प्रिय है तो हम लोग जो इनका भोग लगाते हैं गुड़ और नारियल, गरी और गुड़, ये दो गणेश जी को प्रिय इनका भोग लगाते हैं और इसके बाद फिर इन्हीं से निर्मित मोदक अर्पण करने का विधान आ गया, मोदक अर्पित करने लगे हम, मोदकों का नैवेद्य दिखाने लगे। तो इस प्रकार से गणेश पूजा और उसके पश्चात आरती और गणेश जी की आरती, फिर कापूर आरती, पहले दिए से आरती की जाती है घी के दिए से, उसके पश्चात कर्पूर आरती मतलब कपूर जला करके आरती की जाती है और उसके पश्चात फिर मंत्र पुष्प करके फिर हम पुष्प अर्पण करके और फिर भगवान की प्रार्थना करते हैं। और भगवान की प्रार्थना में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि साहब हमको तो कोई ज्ञान नहीं है मंत्रों का, हमको तो कोई ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से पूजन का विधान है, हमसे भूल चूक भी हो जाती है तो क्या करें। तो गणेश जी के विधान में बिल्कुल स्पष्ट है, कोई परेशान होने की बात नहीं, गणेश जी को सब ज्ञात है कि हमको कितना ज्ञान है। तो अंत में हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध थी, जो सामग्री हमारे पास थी, जो हमसे संभव हो सका वो हमने आपको अर्पण कर दिया। हम अल्पज्ञ हैं, हमसे बहुत सी गलतियां हो गई होंगी, त्रुटि हो गई होगी, मात्राहीनम क्रियाहीनम, हम मात्रा का ज्ञान भी नहीं है हमको, हमने मंत्र बोला मंत्र में हो सकता है अशुद्धि हो गई हो, तो ये सारी जितनी भी हमसे अशुद्धियां हो गई हो, गलतियां हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, हे प्रभु आप उसको हमको माफ कर दें और हमको अपने में वो कर ले और हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए। मतलब आदमी को कोई ये नहीं सोचता हमसे ये हो गया, लोग जैसे कहते हैं क्या बताएं ये लाना था भूल हो गया, कुछ नहीं, आपके पास जितने साधन है, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पूंजीपति है और आप उससे मुकाबला करें कि उसने तो ये चढ़ाया हम भी वो नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं जो आपके पास उपलब्ध है यथा योग्यम, जिसके आप योग्य हैं और जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है उससे आप गणेश जी का पूजन करिए और गणेश जी
आपके ऊपर उतनी ही कृपा बरसाएंगे जितनी वो अन्य के ऊपर बरसाते हैं। तो इसलिए गणेश जी के पूजन में निर्भीक भाव से जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है, आप अपने प्रयास से सबसे अच्छे से अच्छी सामग्री लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, किसी से आप तुलना मत करिए, किसी से आप कंपटीशन मत करिए कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी वैसा कर लें। जो चीज आपके पास है आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान के पास तो आप मांगने जा रहे हैं, तो आप उसको क्या दे सकते हैं? जो आपके पास है वो आप भगवान को अर्पण करिए, भगवान को उसमें ही प्रसन्नता होती है और भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दो बातें, एक तो आपने कहा कि मूर्ति का स्नान, तो स्नान तो हम करा नहीं सकते हैं क्योंकि वो मिट्टी की होती है। नहीं, तो उसके लिए हमारे यहाँ ये है कि आप फूल लीजिए और पंचपात्र में जो पानी रखा हुआ है उसमें डुबोइए और उसके ऊपर एक ये भी मतलब विधान। और एक और है, एक चीज और भी है, उसके पहले हमारे यहाँ सुपारी को गणेश का प्रतीक मान करके सुपारी का पूजन करते हैं, उसको नहलाते हैं धुलाते हैं और गणेश जी के पास उसको रखते हैं, उसका पूजन करते हैं और वो प्रतीक होता है कि ये गणेश जी का, उसको नहलाते हैं हम सुपारी को। दूसरा एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, मंत्र है उसमें सब कुछ है, कोई सहज मार्ग बता दीजिए हमारे लोगों को, घर घर में लोग करेंगे। तो सहज मार्ग ये है कि हरेक को तो पंडित बुलाना संभव नहीं है, वही तो, और इतने उपलब्ध भी नहीं है कि जगह जगह पर आज इतना विस्तार हो गया है। उसके लिए आप भगवान को स्मरण करिए, एक सुपारी लीजिए और सुपारी को पहले रख के उस पर अक्षत चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाने के बाद उसको तामनी या जो भी पात्र है उसमें रख करके उनको नहलाइए, नहला करके पोछ करके उसमें रखिए और उसमें भगवान का आह्वान करिए कि हे प्रभु आप अपना स्वरूप इसमें विराजमान कर लीजिए, हमारे हमने आपको भगवान के स्वरूप में मान लिया है और इस प्रकार से भगवान का स्वरूप उसमें मान करके आप उनकी आराधना करिए, उनका पूजन करिए और आप देखिए बिल्कुल आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। और भगवान जैसे आप मूर्ति की स्थापना घरों में, अभी जन्माष्टमी हुई जी, तो सब घरों में लोग झूला भी झुलाते हैं, उनको छठी भी अभी परसों हुई है तो ये छठी उत्सव भी करते हैं, तो हम इस प्रकार का जो उत्सव करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमने जो भगवान का पूजन किया है, हमने जो भगवान का आह्वान किया है तो भगवान के प्राण उसके अंदर विराजमान है और ये स्वरूप मान करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जब तक हम आपका पूजन कर रहे हैं एक हफ्ते पाँच दिन दस दिन, तब तक आप हमारे घर में प्राण के सहित इसमें निवास करिए और हमारे घर को आशीर्वाद प्रदान करिए। तो भगवान उसमें अपने स्वरूप को अंकित कर देते हैं और ये स्वरूप जो है आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। एक बात और, एक ये भी है कि भगवान गणेश जी की आदर्श मूर्ति कैसी होनी चाहिए? देखिए भगवान की मूर्ति तो उतनी होनी चाहिए जिसको हम आसानी से पूजन कर सकें। हमारे यहाँ इसमें दो शब्द कहे गए हैं, एक शोभा मूर्ति और दूसरी पूजन मूर्ति। शोभा मूर्ति 10 फीट की, 8 फीट की, 5 फीट की, 4 फीट की, कि लोग दूर से देख सके कि गणेश जी की मूर्ति है, वहाँ से अब 500 आदमी 1000 आदमी है तो दूर से बहुत भीड़ है, दूर से देखा कि गणेश जी की वो मूर्ति स्थापित है, आपने यहाँ से गणेश जी को हाथ जोड़ लिए। आपने देखा होगा घंटाघर में जो गणेश जी स्थापित है, गणेश जी की मूर्ति, तो गणेश जी का मंदिर प्रथम खंड के ऊपर अंदर जाकर के है मूर्ति, लेकिन बहुत से लोग बाहर से दर्शन करना चाहते हैं तो बाहर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति 10-12 फुट की बनी हुई है और वो बाहर है, उसके आप दर्शन करते हैं तो वो शोभा मूर्ति कहलाती है। तो इस मूर्ति को पूजन करना भी इतना संभव नहीं होता है कि आप खड़े होकर के कितने ऊंचा हार पहनाएंगे, तो उसमें एक दिन हार पहना दिया जाता है और फिर आप पूजन करते हैं, पुष्प अर्पण कर देते हैं और जो छोटी वाली मूर्ति है रोज आप पूजन उनका करते हैं, तो इसको कहते हैं पूजन की मूर्ति और वो होती शोभा मूर्ति। क्या इसकी भी कोई वो होती है कि इतनी ही बड़ी होनी चाहिए जो पूजन मूर्ति की बात है? नहीं, पूजन मूर्ति का ये है कि एक 8 इंची से लेकर के और 1.5 फुट तक ये मूर्ति हो और इसको हम पूजन कर सके। तो और मिट्टी की होनी चाहिए? मिट्टी की, ये कच्ची मिट्टी की होती है, इसको पकाया नहीं जाता, पकाया नहीं जाता। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये है कि वो मिट्टी में फिर
जल में जहाँ उसमें जल से स्पर्श हुआ, तालाब में या सरोवर में या जहाँ कहीं पर भी हम उसका वो करते हैं तो वैसे ही वो विसर्जन होकर के हो जाता है। अब जैसे कानपुर महानगर में प्रशासन द्वारा गंगा जी में बाढ़ बहुत होती है, वो प्रदूषण के लिए इसको वो कर दिया है, तो महाराष्ट्र में अब लोगों ने ये किया है कि घरों घरों में जो अपने घर में टैंक बना करके या घर में बहुत छोटे हैं तो बाल्टी में या टब में उसमें रख करके और उसके पश्चात उस जल को अपनी क्यारी में डाल देते हैं, बगीचे में डाल देते हैं, तो उसमें वो सब बगीचे में चला जाता है। तो इस प्रकार से इतनी मूर्ति होनी चाहिए कि जिनका हम विसर्जन आसानी से कर सके। अब आजकल जैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की मूर्तियाँ हैं तो नियमता ये विधान नहीं है और इस प्रकार की मूर्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको गलने में काफ़ी समय लगता है और पर्यावरण की दृष्टि से ये उचित नहीं है, पानी को भी अशुद्ध कर देता है ये, तो इसलिए कच्ची मिट्टी की ये होना चाहिए। और आपको हम बताएं, हमारे यहाँ जैसे प्राचीन समय में और अब भी कुम्हार लोग इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे, वो तालाब की मिट्टी लेकर के आज भी कुम्हार लोग बनाते हैं। और हम लोग अभी भी कानपुर में कई ऐसे परिवार हैं जो पीढ़ियों से इस प्रकार के मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अभी भी वहाँ से मूर्ति लाते हैं और विस्तार के साथ साथ जगह जगह पर शास्त्री नगर में नहर किनारा यहाँ पर बर्रा के पास कई जगह मूर्तियाँ बन रही हैं और हर जगह कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं और उन मूर्तियों को ही विसर्जित किया जाता है जो अपने आप दो चार दिन में पानी में विलीन हो जाती हैं और इससे कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण का खतरा नहीं होता। और पेंट भी उसमें ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए जो हानिकारक हैं। बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत होते हुए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गणेश जन्मोत्सव की। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो गणेश जन्मोत्सव हो रहा है, इधर देखा है कि सब जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पे होने लगा, फिर धूम धड़ाके के साथ विसर्जन होता है और एक और उसमें हमने देखा है कि भंडारा भी बहुत तेजी के साथ होता है, इसके पीछे क्या दृष्टिकोण रहता है? देखिए, धूम धड़ाका और ये तो इसके लिए तो हम आपको ही धन्यवाद देंगे। अच्छा, कि इसके लिए तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल कहेंगे हम कि इसको प्रसिद्धि और ये देने में। अब जैसे आजकल आप देखिए दूरदर्शन के ऊपर लाल बाग के गणेश जी बहुत दिनों से आ रहे हैं और उसमें अभी कल के दूरदर्शन के समाचार में था टीवी चैनलों पर कि अमित शाह भी जा रहे हैं, ये है। तो अब जब इस प्रकार के प्रचार होते हैं लोग अब तुलना करने लगते हैं कि लाल बाग के गणेश में क्या है, लाल बाग का राजा बोलते हैं उसको, लाल बाग का राजा बोलने लगे। तो अब ये जो बातें हैं तो उसका ये हुआ कि भई अब हर मोहल्ले का राजा होना चाहिए, तो हर मोहल्ले में ये इसी टाइप से होने लगा। फिर उनके यहाँ अगर 10 फिट का है तो हमारे यहाँ 11 फिट का होना चाहिए, तो ये सब होड़ होने लगी। और अच्छी बात है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। भाव ये है कि लोगों के अंदर जागरण का भाव होना चाहिए। और इसके साथ एक और जो बात जुड़ी, जैसे लालबाग के इसमें कहते हैं कि वहाँ पर जो कलेक्शन होता है वो समाज कार्य में लगता है, इसी प्रकार से अगर इसके माध्यम से समाज सेवा का भाव अगर जागृत होता है हमारे अंदर, हर मोहल्ले में अगर गणेश जी स्थापित हो रहे हैं, 10 दिन तक लोग आनंद और उत्सव मनाते हैं, उसके बाद लोगों के अंदर भक्ति का भाव है, संस्कार निर्माण हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। क्योंकि गणेश जी के कार्यक्रम में हमने देखा कि मोहल्ले मोहल्ले में जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो वहाँ पर लोग देखा हमने बच्चों की प्रतियोगिताएं कराते हैं, बच्चों के आलेख है, बच्चों के अंदर संगीत की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ संपन्न परिवार के लोग बच्चों को कुछ पुरस्कार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे शहर में इस प्रकार का माहौल है कि आसपास के परिवारों में, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके अंदर इस प्रकार का भाव है, उनके अंदर कुछ वितरण हो जाता है, कुछ लोग कापियां पुस्तकें दे रहे हैं, कुछ लोग फल फूल दे रहे हैं,
कुछ लोग वस्त्र दे रहे हैं, तो इस प्रकार से, और फिर भंडारा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से समाज के अंदर देने का भाव निर्माण जो हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसलिए भगवान को जो भोग लगता है और भोग लगने के बाद वो प्रसाद सबको प्राप्त हो, इसके लिए ये भंडारे का प्रादुर्भाव हुआ। और जो सबसे बड़ी बात इसमें हमको देखने को मिली कि इस भंडारे में कहीं पर भी कोई वर्ण भेद नहीं है। आपने अगर आप घूम करके जाए तो कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है कि कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों के हाथ से ये प्रसाद बनता है और सब लोग उसको आनंद और उल्लास के साथ ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कहीं किसी बंद कमरे में बन रहा है, सड़क के ऊपर, आंगन में, उपवन में, मैदान में, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर ये भंडारा हो रहा है, बन रहा है। इसकी परंपरा की शुरुआत तिलक जी ने भी की थी। हाँ, उस परंपरा तो ये है कि घरों में जो पूजन होता था जी, उसके पश्चात ब्राह्मण भोजन किया जाता था, कन्या भोजन किया जाता था, सवाष्ट का भोजन मतलब सुहागिन स्त्री का भोजन महालक्ष्मी के रूप में किया जाता था, लेकिन वो केवल सीमित था परिवारों तक। अब जब ये सार्वजनिक हुआ तो ये भी सार्वजनिक हो गया, और ये जो घरों का भोजन था सीमित था, अब ये भंडारे का स्वरूप होकर के सार्वजनिक हो गया। और अब तो ये है कि आप देखिएगा कि अनंत चतुर्दशी और गणेश पूजा से लेकर के सुविधानुसार कहीं पर रविवार को, कहीं पर दशमी को, कहीं पर एकादशी को, कहीं द्वादशी को, जैसा जिसकी सुविधा होती है, संभव होता है, साधन होते हैं, उन साधनों के अनुसार, अपने अपने सुविधानुसार, सामर्थ्य के अनुसार लोग भंडारा कर रहे हैं, और उस भंडारे का प्रसाद सबको प्राप्त हो रहा है बिना किसी भेदभाव के। ये सबसे बड़ी बात है, कोई वर्ण विभाजन या वर्ण व्यवस्था वहाँ नहीं है, सब जो आता है पाता है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी बात है, और समाज का हर वर्ग इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कई बार क्या, चूँकि ये प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है और उन्हीं की सोच है, तिलक जी की, कहते तिलक जी का कानपुर से बड़ा संबंध रहा, और जो ये सतरखाना का मंदिर है उसकी स्थापना उन्होंने ही की, जरा इसका भी जुड़ाव बताइए कानपुर से। देखिए, कानपुर से तिलक जी का संबंध काफी रहा, और आपको अगर ध्यान हो कानपुर में जो कांग्रेस का मुख्यालय है तिलक हाल, उसका नाम ही तिलक हाल है, और महाराष्ट्र मंडल जहाँ पर स्थित है उस मोहल्ले का नाम भी खलासी लाइन और तिलक नगर ही है, तिलक नगर। तो इसलिए कानपुर, और यहाँ पर एक तिलक सोसाइटी हुआ करती थी, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन तिलक जी का नाम कानपुर से बहुत जुड़ा हुआ है। और ये जो गणेश मंदिर सुतर करने की जो बात है, ये उनकी प्रेरणा से है, लेकिन इसके पीछे एक और भाव है। कानपुर में महाराष्ट्रियंस की संख्या बहुत थी उस समय, और महाराष्ट्र मंडल तो बन गया था, लेकिन गणेश पूजा के लिए गणेश जी की कोई मूर्ति ऐसी नहीं थी। केवल बिठूर में गणेश मूर्ति थी, लेकिन बिठूर की दूरी काफी थी और साधन भी उस समय इतने नहीं थे, तो इसलिए इसकी स्थापना घंटाघर के पास की गई। और आपको एक जानकारी मैं दूं, वैसे खेमचंद जी वगैरह बताते हैं इस बात को कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, और आपने देखा होगा कि जहाँ पर गणेश मंदिर सुतरखाना में पहले वहाँ नहर बहती थी, तो उसको नहर किनारा भी कहते थे, बिल्कुल नहरिया, तो नहरिया बोलते थे। उसके बगल में एक मस्जिद है, तो अब भी है, तो इसको मंदिर बनने की अनुमति नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो उस समय कानपुर में एक महाराष्ट्रियन परिवार में एक जोग साहब थे, और वो कांग्रेस के बड़े नेता भी थे, तो उन्होंने फिर प्रशासन से बात की, और उन्होंने कहा कि भाई हमको तो घर के पूजन के लिए गणेश जी का चाहिए, हमको कोई सार्वजनिक मंदिर थोड़ी चाहिए, तो क्या आप घर में पूजन करने के लिए भी मूर्ति नहीं स्थापित करने देंगे? और इसलिए आपको जानकारी तो है ही, अब जो आप भव्य स्वरूप देख रहे हैं, पहले ऐसा भव्य स्वरूप नहीं था। ये जो मूर्ति है गणेश जी का, जो मंदिर है, ये प्रथम खंड में है, प्रथम खंड में है।
तो कहा यह गया उस समय प्रशासन को कि भाई हमको जो है अपने घरेलू पूजन के लिए कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए इसको स्थापना करना है, ये कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, इसलिए हमको ये घरेलू पूजन के लिए मूर्ति चाहिए, इसलिए प्रशासन ने तब इसके स्थापना करने की अनुमति दी और ये प्रथम खंड में मूर्ति स्थापित है। और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत छोटा जीना था दोनों तरफ, एक तरफ से जाते थे दूसरी तरफ से आते थे, अगर एक जीने से दो लोग एक तरफ ऊपर नीचे आए तो संभव नहीं था, इतना सकरा जीना था। लेकिन उसके बाद गणेश जी की इच्छा हुई और सबका सहयोग हुआ और आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो स्वरूप बिल्कुल निराला है और कानपुर का एक भव्य स्मारक बन चुका है गणेश मंदिर। तो ये गणेश जी तिलक जी की प्रेरणा और सबके सहयोग से आज हम लोग जिस स्वरूप को प्राप्त है देख रहे हैं, बहुत बड़ा भव्य स्वरूप है। इसमें खेमचंद जी और उनके परिवार का भी काफ़ी योगदान है, समाज का भी योगदान है। और अब आज ये जो चार पांच खंड का जो भवन बना है जिसके अंदर गणेश जी की एक मूर्ति है, उसके साथ ही दूसरे खंड में गणेश जी का जो विराट स्वरूप है, हमारे यहाँ गणेश जी के इसमें कहा गया है एक वेदोक्त है अथर्वशीर्ष, तो अथर्वशीर्ष में गणेश जी की उपासना में कहा गया है त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु त्वम रुद्रस त्वम इंद्रस त्वम अग्निस त्वम वायुस त्वम सूर्य त्वम चंद्रमास त्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो, अर्थात गणेश जी ही सब हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब। तो इस प्रकार से यह जो विराट स्वरूप गणेश जी का है ये अपने तरह का अकेला स्वरूप है जो यहाँ पर है, उसकी भी स्थापना यहाँ पर की गई। और इसके बाद में एक यज्ञ भगवान की भी स्थापना की गई, वहाँ पर यज्ञ और हवन करने के लिए भी वहाँ पर विधान है। और इसके पश्चात लोगों की इच्छा थी, और दक्षिण भारत में जिस प्रकार से नवग्रह का भी मंदिर होता है, इस प्रकार से गणेश मंदिर में नवग्रह की भी स्थापना की गई। और जो गणेश जी का जो विशाल कक्ष जिसको कहेंगे हॉल कहेंगे, तो वहाँ पर जहाँ विराट स्वरूप गणेश जी के, वहाँ पर एक 30-40 लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी लोग बैठ करके पूजन वगैरह गोष्ठियाँ वगैरह करने का भी आयोजन होता है। और इस प्रकार से इस मंदिर में समय समय पर पूजन होता है, हर चतुर्थी को अभिषेक होता है, हवन होता है, तो ऐसे 12 महीने यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के उत्सव और कार्यक्रम होते रहते हैं। और ये जो 10 दिन का कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम का तो भव्य आयोजन होता ही है, और उसके पश्चात शोभा यात्रा निकलती है। स्थापना भी अब बड़े विशाल शोभा यात्रा के साथ स्थापना यात्रा होती है, उसमें गणेश जी की स्थापना की जाती है। और अब इतना लोगों का समूह इसके साथ जुड़ता जा रहा है, पूरा समाज इससे जुड़ता जा रहा है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अब ये पूरा कानपुर का पूरा कानपुर गणेशमय होने वाला है कल से। और ये सब गणेश जी द्वारा जो रोपा गया वृक्ष था, आज उसकी शाखाएँ चारों तरफ फैल रही हैं। और इसलिए गणेश जी को पुनः एक बार, वो तिलक जी को एक बार पुनः हम लोग स्मरण करते हैं कि तिलक जी द्वारा जो ये स्थापना की गई थी गणेश पूजन की, आज वो फल फूल रहा है। और कानपुर में ही नहीं, पूरे देश में, और महाराष्ट्र से आकर के पूरे देश में, बल्कि देश में कहूँ तो मैं विदेश में भी अब इस पूजन का ये आयोजन होने लगा है। एक चीज़ और है जी, विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ इसमें बड़ा बदलाव आया है। महाराष्ट्र में कई ऐसे स्थान हैं, उन्होंने अब ऑनलाइन पूजन की भी व्यवस्था कर दी है। जी, आपको अगर कानपुर में पूजन कराना है कहीं पर, पूना में या नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में कई ऐसे गुरुकुल हैं, आचार्य हैं, वो वहाँ से ऑनलाइन आपका पूजन करा देंगे। आप यहाँ कानपुर में बैठिए और उनसे आप कहिए, वो आपसे जुड़ जाएंगे ऑनलाइन और आपका पूजन करा देंगे। वो आपको मंत्र बताते जाएंगे, पूजन विधान बताते जाएंगे, आप यहाँ पर पूजन करिए। तो इस नई तकनीक के साथ साथ पूजन विधान भी ऑनलाइन हो गया है। जिन भक्तों को आवश्यकता है, अगर आप चाहें तो हम उन लोगों के स्थान और उनके पते भी दे सकते हैं, वो आपको ऐसा पूजन जनता को, जो लोग ऐसा चाहते हैं, कानपुर में भी ऐसे लोग हैं,
तो अगर ऐसा कोई चाहता है तो वो भक्त, तो आजकल ऑनलाइन पूजन का भी विधान हो गया है, वो भी इसके लिए लोगों को ऑनलाइन। ये बताइए कि तिलक जी की प्रेरणा से ये सुधरखाना मंदिर बना, ऐसा नहीं है कि वो स्वयं आए हो यहाँ पर? नहीं, उसके पहले आए थे लेकिन उनकी प्रेरणा से बना है। अच्छा, हाँ आए थे उसके पहले? हाँ, पहले आए थे कानपुर में, और उस समय कानपुर के बाद वो बनारस में भी गए थे, जी जी, प्रयाग भी गए थे, और इस प्रकार से कानपुर के आगमन के बाद उनका प्रयास तो चालू हो गया था पूना से ही। तो इसके मानने अगर वो जब कानपुर आए थे तो उन्होंने इसकी चर्चा भी की होगी, ऐसा आह्वान भी किया होगा कि यहाँ पर भी मंदिर की स्थापना हो जाए? नहीं, ऐसा आह्वान मतलब उन्होंने ये कहा था कि भाई जिस समाज के उत्थान के लिए जो ये आप लोग घरों में पूजन करते हैं, महाराष्ट्र समाज घरों में पूजन करता है, इसको सार्वजनिक किया जाए, सार्वजनिक किया जाए, और सार्वजनिक करने के लिए अगर मंदिर की स्थापना हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और इस प्रकार से ये विचार जब लोगों के मन में आया, उनके द्वारा जब इस प्रकार की प्रेरणा दी गई, तो कानपुर में भी लोगों के मन में ये बात आई, और ठाकुर प्रसाद जी जो गुप्त जी हैं और उनको और लोगों ने प्रेरणा दी, उनके मन में ये भी भाव आया, तो उन्होंने अपना एक स्थान था घंटाघर में उनके पास, तो वहाँ पर ये मंदिर की स्थापना हुई। और पहले तो वहाँ पर बहुत से किराएदार भी रहते थे, ये तो हमारे सामने की बात है, फिर उन्होंने धीरे धीरे मकान खाली किया, तब उसके बाद में जा कर के ये भव्य स्वरूप बन पाया है, और आज तो इतना भव्य स्वरूप उसको प्राप्त हो गया है कि गणेश पूजा के दिन में तो प्रशासन को वहाँ पर वन वे करना पड़ता है, ट्रैफिक व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को कुछ व्यवस्थाएं लगानी पड़ती है, एक तरफ मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं भी प्रशासन को करनी पड़ती है। तो इस प्रकार आज तो बहुत भव्य स्वरूप में वो है, और कानपुर का एक बहुत अच्छा स्थान है, दर्शनीय भी है और प्रेरणादायी भी है, और गणेश भक्तों के लिए एक अच्छा स्थान है। एक बात और जरा बताइए, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये कि जैसे गणेश मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा है, पूजन होता है, उसके बावजूद भी गणेश जो है प्रतिमा की स्थापना क्यों की जाती है? नहीं नहीं, देखिए वो तो अचल मूर्ति है, हाँ हम लोग विसर्जन तो नहीं कर सकते उसका, हाँ उस मूर्ति का, तो ये जो 10 दिन गणेश जी की स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है फिर उसका विसर्जन भी होता है। अच्छा, विसर्जन होना जरूरी है? हाँ, विसर्जन, भाई जो मूर्ति हम लाए हैं तो ऐसे तो फिर वो बढ़ते बढ़ते न जाने कितनी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे कि लोगों को कहना ये है कि दीपावली पर भी हमारे यहाँ गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है, हाँ। और लोगों के साल साल भर तक नहीं, नहीं देखिए अब देखिए, हाँ। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हाँ। वो जो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है जी, वो कच्ची नहीं होती, वो पकी हुई होती है। वो गणेश, और ये जो गणेश मूर्ति की हम बात कर रहे हैं, ये तालाब की मूर्ति ला करके और इसको ये करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें कि अब तो हम लोग ये मूर्तियां ला रहे हैं, पहले तो हम लोगों के घरों में एक लकड़ी का साचा होता था जी, और कच्ची मिट्टी ला करके उसको हम लोग उस साचे में लगाते थे और उसको निकाल करके वो इतनी बड़ी मूर्ति, एक 3 इंची की 2.5 इंची की मूर्ति बनती थी, और उसको फिर सेंदूर से रंगते थे। रंग किससे करते थे? सेंदूर से। तो सेंदूर से रंग करके उसको ही मूर्ति का स्वरूप देते थे, बाहर से भी नहीं लाते थे। लेकिन कालांतर में फिर मूर्तियां हम लोग कुम्हार के यहाँ से लाने लगे। तो इसी प्रकार से ये तालाब की मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती थी, चिकनी मिट्टी होती थी, क्रैक नहीं होती थी, ये इसके अंदर दरार नहीं पड़ती है, और इसलिए ये 10 दिन तक, 5 दिन तक, जितने दिन तक घर में गणेश जी रहते हैं उस दिन तक ये शुद्ध मूर्ति वैसे ही बनी रहती है, इसलिए कच्ची मिट्टी की होती है, पकी। और जो गणेश लक्ष्मी की बात आपने कही, इसका तो विसर्जन हो जाता है, उसके पश्चात जो गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है वो पक्की होती है, और वो पूरे वर्ष तक विराजमान रहती है। हाँ, वही वही बनेगा वो बस पर। हाँ, एक और आखिरी में, गणेश जन्मोत्सव की उपादेयता और बढ़े, हमारे जीवन में और कुछ संस्कार पैदा हो जाएं, हम और श्रद्धा और विश्वास के साथ वशीभूत हो जाएं, ऐसा अब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से जो माहौल बना हुआ है? देखिए आज का जो माहौल बना है,
भक्तिमय माहौल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस माहौल से जो हमको शिक्षा लेने वाली बात है वो ये है कि एक तो हमारे समाज को संगठित करना है, दूसरा ऊंच नीच के भाव को हमें समाप्त करना है। आज जो गणेश जी का जो सार्वजनिक पूजन हो रहा है, आप देखिए वहां पर आपको ये नहीं पता है कि ये किस वर्ण का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय, कोई मतलब नहीं है। सब लोग आके पूजन कर रहे हैं और बड़े उत्साह और आनंद के साथ पूजन कर रहे हैं। न उनसे आप जाति पूछते हैं, न उनसे आप वर्ण पूछते हैं, आते हैं पूजन करते हैं, जो उनकी श्रद्धा होती है वो अर्पण करते हैं और उसके पश्चात जो प्रसाद उनको मिलता है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। दूसरा, गणेश जी को कहते हैं ये बुद्धि और शक्ति देने वाले हैं, तो गणेश जी का जब हम पूजन करें तो हम गणेश जी से बुद्धि मांगे कि हे प्रभु हमको अच्छी बुद्धि प्रदान करें और उस बुद्धि का हम प्रयोग करें समाज कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए। अगर हम समाज सेवा के कार्य के लिए गणेश पूजा को, जैसे गणेश जी का जो सार्वजनिक पूजन है, गणेश जी का जो सार्वजनिक भंडारा है, सब जगह तक ये पूजन हो रहा है, सबको इसका प्रसाद मिले, हम इस भाव को अगर जागृत करें और इसको हम 12 महीने करें कि गणेश पूजा तक ही इसको सीमित न करें, हम इस समाज कार्य को जैसे हमारे अंदर देने की कुछ प्रेरणा है तो हम अन्य अवसरों पर भी हम समाज को, जो ऐसे वंचित समाज के लोग हैं जैसे आजकल योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि समाज के अंतिम छोर तक लोगों को पहुंच जाए हर चीज़, तो ऐसी जो स्वावलंबी भारत जो बनाने की बात करते हैं हमारा प्रशासन, तो स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गणेश पूजा के माध्यम से हम ये संदेश समाज को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।